अब यार आए दिन यूट्यूब पे कोई ना कोई स्कैम चलते ही रहता है। जैसे अभी बहुत सारे क्रिएटर और कुछ लोग मिलके हाई बॉक्स करके एक वो था, वहां पे 500 करोड़ का स्कैम कर दिया। अभी गवर्नमेंट की नजर गई तो वहां पे कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोगों की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी जब्त कर ली गई। लेकिन यार देखो, अभी जैसे टेक, अगर आप लोग वीडियोस देखते हो टेक वीडियोस, तो काफी ऐसे क्रिएटर है टेक में जो आपको लगता होगा बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। बट देखो, अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे कोई भी टेक यूट्यूबर अपने आप को भले कहे कि हम ऑनेस्ट है, भैया हम बहुत ही ऑनेस्ट है, आगे कैमरा के सामने ऑनेस्ट ऑनेस्ट बोला, लेकिन आज के टाइम पे कोई ऑनेस्ट होता नहीं है। अब इसका मैं एक बहुत सही एग्जांपल आपको दे सकता हूं। शुरुआत में आज के टाइम पे आप जितने भी क्रिएटर देखेंगे वो ऑनेस्ट का टैग लेके हमेशा उठते हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, जिससे लोग उनको फॉलो कर दें। फिर आगे चल के फिर वही उनके कर्म कांड होने लगते हैं, एजेंसी के साथ मिलते हैं, ब्रांड के साथ मिलते हैं और फिर वही काम होने लगता है। अब ये चीज पहचानने का ना बहुत सही तरीका है। अब आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर आपने देखे होंगे, एक टाइम पे ही सेम टाइप की वीडियोस आती है सेम फोन पे, तो वो एक पेड वीडियोस होती है, हम सबको पता है, बहुत कॉमन सी चीज है। बट यहाँ पे ना एक चीज और है, यहाँ पे कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो फोन बहुत ही ज्यादा बेकार होते हैं, उनको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बिकॉज ब्रांड एम्बार्गो में होता है कि हमारे फोन की आप बुराई नहीं कर सकते, सिर्फ तारीफ करो, जिसकी वजह से उनको बोलना पड़ता। अब एक प्रकार से वो अभी के टाइम पे जो टेक क्रिएटर है आपके सो कॉल्ड फेवरेट, वो गुलाम है एजेंसी के या फिर ब्रांड के, जिससे उनको मजबूरन में वो करना पड़ता है। अब देखो, कुछ लोग मुंह उठा के आ जाएंगे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, टेक में ऐसे ऐसे क्रिएटर है जो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं, बता देते हैं कि हम ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। भाई जब अपने आपको ऑनेस्ट दिखाना होता, आप सक्षम है उस चीज से, तो आप कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं? आपको यूट्यूब अच्छा खासा पैसा दे देता है। बाकी देखो, कुछ लोग कहेंगे भाई हमें रेंट देना होता है, बहुत सारी चीज़ें देना होता है, हम कैसे मैनेज करेंगे इतना सारी चीज़ें, हमें ब्रांड के साथ काम करना ज़रूरी है। देखो बिल्कुल करो यार, मुझे इससे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी यार कुछ क्रिएटर को मैं ऐसा देखता हूँ जो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके बैठे और अंधाधुंध लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, और वो अपने भाई ऑडियंस के साथ ही चैट पे अगर उनके कुछ जान पहचान वाले बोलेंगे भैया ये फ़ोन ले सकते हैं, जबकि वीडियो में बताएंगे भैया बहुत अच्छा फ़ोन ले लो, चैट अपने जान पहचान वालों को ही मना कर रहे हैं भाई फोन मत लो ऐसा वैसा, तो ये सब चीज़ भाई चलती रहती है। आज के टाइम पे ना बहुत सारे यूट्यूबर प्रेशर में आके वीडियोस बनाते हैं बहुत सारे एजेंसीज का। अब जैसे कोई फोन जैसे आता है ना, जैसे हमारे पास या फिर किसी भी क्रिएटर के पास, तो ब्रांड डायरेक्ट नहीं कॉन्टेक्ट करता, कुछ लोगों को होता है जो बहुत बड़े सोर्स पे हैं उनका होता है, बट ज़्यादातर एजेंसीज जो होती हैं बीच में जो सो कॉल्ड लोग बैठे होते हैं वो कॉन्टैक्ट करके लोगों के पास फ़ोन भेजते हैं, फिर वो लेते हैं, फिर वो कंपनी से कुछ अपना इनिशिएट वगैरह करते हैं, कुल मिला के क्रिएटर्स का ही पैसा बीच में होके खाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग अपना नेगोशिएशन करते हैं अपने कंपनी से कि अगर आप हमें इतने पैसे नहीं दिए या फिर हमें ये नहीं दिए तो हमारे पास इतने यूट्यूबर हैं ये सारे, हम इनसे निगेटिव रिव्यूज़ आपके फ़ोन में डलवाएंगे या फिर हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपके ब्रांड पे निगेटिव असर डालेगी। यहाँ पे फ़ायदा एजेंसी का होता है दोनों तरफ से, इधर क्रिएटर बेचारा पीसा जा रहा है, उधर मेन ब्रांड पीसा जा रहा है, मेन एजेंसी वाले मजे लेके बढ़िया अपना फ्री में पैसा कट करके मस्त चिल जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे भी हो रहा है। बाकी यार कुछ क्रिएटर तो सच में मतलब गंद फैलाने के लिए ही आए हैं टेक में, अभी शॉर्ट्स वगैरह देख के भी बहुत सारे लोग फोन ले रहे हैं। अब यार एक मिनट के शॉर्ट में बंदा क्या ही बता देगा फोन के बारे में, फोन में बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्प्ले, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, कैमरा वगैरह एक मिनट बताना मुश्किल है अगर आप देखेंगे, बट आज के टाइम पे लोग बता रहे हैं एक मिनट में, और लोग वो सब देख के ले भी रहे हैं। अब देखो आज के टाइम पे जो शॉर्ट्स से देख के फ़ोन वगैरह लेते हो ना, या फिर जो लोग लेते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा भाई बहुत छोटा सोच रहे हो यार, क्योंकि देखो एक मिनट बंदा डिज़ाइन दिखाते ही दिखाते एक मिनट हो जाएगा, आज के टाइम कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन आ रहे हैं, तो एक मिनट में कुछ चीज़ें हम देख नहीं पाते और हम बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में लोग कुछ भी प्रमोट कर दे रहे हैं भाई, मतलब अगर आप देखेंगे आज के टाइम बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो ओनली शॉर्ट बना दे और उनको ब्रांड फ़ोन भेज रहा है, रीज़न यही है ब्रांड को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग ना शॉर्ट वगैरह देख के ही फ़ोन ले लेते हैं, जबकि जहाँ तक शॉर्ट में जो फ़ोन आपको दिखाए जाते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शॉर्ट में रीच ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं हमारे फ़ोन के बारे में बात हो शॉर्ट्स वगैरह पे, तो रीच ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, तो ज़्यादा लोग वहाँ पर थोड़ा नज़र डालेंगे। बाकी भाइयों यही कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ें आज से नहीं चल रहा है, शायद जब से मैं यूट्यूब पे आया हूँ
तब से ये चीज़ें चल ही रही हैं कि लोग कुछ ना कुछ भाई स्कैम कर ही रहे हैं हर तरीके से इंटरनेट पे। और इंटरनेट पे अगर आप हो या फिर आप एक ऐसे कंज्यूमर हो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा आपके लिए कौन है कौन नहीं है, क्योंकि यार ये इंटरनेट है, सगा कोई नहीं होता है यहाँ पे, सगा मैं भी नहीं हूँ अगर आप देखेंगे तो भाई, कल के चल के मैं भी अनबायस हो जाता हूँ तो बोलना आपका फर्ज, अगर आप मुझे फॉलो करें तो आप बोल सकते हो बिझक, संस्कारी शब्द भी निकाल सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। और जिनको आप अपना इंस्पिरेशन मानते हो या फिर जिनके कहने पर आप फोन वगैरह लेते हो उनसे भी पूछने का पूरा हक है आपको कि आपने ये वो क्यों किया कैसे क्या। तो आज के टाइम पे सगा मुझे नहीं लगता इंटरनेट पे कोई है, जब तक भाई उनका मस्त वर्क वगैरह चल रहा है तब तक वो कर रहे हैं ब्रांड के साथ भी, एजेंसीज के साथ भी और लोगों के साथ भी। बाकी जैसे काम खत्म नाम खत्म, बुरिया बिस्तर बांधेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो भाई, चलेगा अपना भाई दूसरा देगा। तो जब तक इंटरनेट पे देखो लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा के आप भी सोचो कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लोग हमें क्या दे रहे हैं, क्योंकि यार इंटरनेट पे अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। दैट्स इट, यही थी हमारी कुछ वीडियोस। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यार देखो आज के टाइम पे सब कैटेगरी अच्छी है, सही बताऊँ तो टेक मुझे पर्सनली लगता है टेक सबसे ज़्यादा सही कैटेगरी है। शुरुआत में इंट्रो में जरूर बोला था, देखो टेक में क्या है भाई, लोग ना थोड़ा समझदार है, अगर एक कोई गलती कर रहा है तो उसको समझाने वाले 20 होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो गलतियाँ रुक जाती। बाकी तो मैं देख रहा हूँ भाई, चाहे वो फिटनेस हो जाए, कुछ भी प्रमोट करे जा रहे हैं भाई, कोई भी पीनट बटर यहाँ पे एक बार गलती से मिल जाए वो भी प्रमोट हो जा रहा है, लुक्स वगैरह जो हाइट वगैरह बढ़ाने वाले कैप्सूल कुछ भी प्रमोट करें भाई फिटनेस वाले, और जो वैसे हैं भाई उनका तो बात ही छोड़ दो, जैसे हाई वॉक्स अभी प्रमोट कर, सारे यूट्यूबरों लोगों के साथ स्कैम करवा दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो ये गैम्बलिंग वगैरह अभी प्रमोट करते हैं, तो भाई अपना अपना वो है। लास्ट में यही बोलूँगा, प्रमोट करना उनका काम है, इग्नोर करना आपका, तो ये चीज़ आप समझें। बाकी यार वीडियो बस इतना आई थी, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें थोड़ा आप समझेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।